चीन में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग दवा कंपनियों के फैक्ट्रियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। जुहाई शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें लोग बुखार और दर्द जैसी मामूली दवाइयां खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े हुए दिखाई दिए। जानकारी के अनुसार चीन के सभी मेडिकल स्टोर से ब्रूफेन बुखार और दवाइयों की भारी कमी हो गई है, जिसके कारण सब लोग फैक्ट्री तक पहुंचने लगे हैं। वहीं भारत ने कोरोना के इलाज में काम आने वाली पैरासीटामोल और एमेक्सिसिलिन और साथ ही साथ रेबोपुरालुज जैसी दवाएं की कीमतों में कमी करने की बात कही जा रही है। और कोरोना का खतरा अब केवल चीन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्ल्डमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना के तकरीबन 586,296 नए केस सामने आए हैं।